अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ चैनल। आपका सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी पूर्वी लोकसभा दिल्ली की, जिसके अंदर चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं और चारों कैंडिडेटों के मैं नाम बता दूं, आप सबसे परिचित भी होंगे। सबसे पहले पे हैं राजबीर सिंह, दूसरे पे हैं मनोज तिवारी जो भाजपा से हैं, पहले राजबीर सिंह हैं वो हैं बसपा से और मनोज तिवारी हैं भाजपा से, और शीला दीक्षित हैं जो कांग्रेस से हैं और यहीं पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं दिलीप पांडे जी। जो दिलीप पांडे हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। अब इन चारों पे जो भी उत्तरी पूर्वी लोकसभा के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अगर हम लोग जो यहाँ के वो सांसद हैं इस वक्त वो हैं मनोज तिवारी, लेकिन जो मनोज तिवारी का जो जनता बोलती है वो ये बोलती है कि मनोज तिवारी जब से सांसद बने हैं एक बार भी वो अपनी लोकसभा सीट के अंदर नहीं आए हैं। अब हम बात करते हैं शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित का जो कार्यकाल है सबने देखा है किस तरह कार्य है। कांग्रेस अब अपनी किस्मत को आजमा रही है क्योंकि उन्होंने 70 साल में अपने शासन के अंदर कुछ नहीं करा। 70 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ था तब से कांग्रेस का शासन था और उसके बाद नेहरू जी का शासन था तो कांग्रेस ही बोलेंगे। कांग्रेस बीच में कई पार्टियाँ आई गई वो चलता रहता है। अगर हम लोग जाति आधार बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र डालनी पड़ेगी जो यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, वो अपनी कैडरेज वोट हैं और उनकी, लेकिन जो उनकी कैडरेज वोट है इस वक्त जो भाजपा की GST नोटबंदी जैसे जो मामले रहे हैं उनसे भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज़ हुए हैं और जो देश के अंदर माहौल है वो भी बहुत अच्छा नहीं माहौल बताते हैं। और शीला दीक्षित जो काफ़ी टाइम से कार्य करती रही हैं दिल्ली के लिए, सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्यकाल का किस तरीके से था। और जो दिलीप पांडे हैं वो पहली बार अपना यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो दिलीप पांडे लोकसभा के अंदर डिजर्व इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इस वक्त जो है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जातिकरण के आधार पर। ये भी मनोज तिवारी हैं वो भी ब्राह्मण है, शीला दीक्षित ब्राह्मण है, दिलीप पांडे ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण का ब्राह्मण से वोट कटेगा बहुत ज़्यादा वोट कटने की उम्मीद है। अब हम लोग जो राजबीर की बात करते हैं वो एक ठाकुर समाज से हैं, जो ठाकुर समाज है वो भी उनको मिल रहा है और यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम थोड़ा बहुत सा है वो कांग्रेस में भी जा सकता है और जो थोड़ा बहुत है वो आपका आम आदमी में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें गठबंधन की तो गठबंधन का असर दिल्ली में भी पड़ रहा है और जो सभाओं के अंदर जो रिजल्ट निकल कर आए हैं वो कहीं ज़्यादा राजबीर जी के पास आ रहे हैं। वो उस हिसाब से अगर SC ST OBC, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्तरी पूर्वी लोकसभा के अंदर वोट है वो है बहुजन समाज के लोगों का। बहुजन समाज के लोगों ने अगर मन ठान लिया कि हमें सिर्फ राजबीर को वोट देना है तो कोई ताकत नहीं है कि राजबीर सिंह को कोई हरा दे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़े से बड़े लोगों का भी वो जमानत जब्त भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम और SC ST OBC का वोट अगर मिल जाता है तो तुरंत यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और राजबीर जी को ये वोट कहीं ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दिलीप पांडे की। जो दिलीप पांडे हैं वो भी पांडे हैं और हम आपको बता दें तीनों जो हैं वो एक ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, और जो मनोज तिवारी हैं वो तिवारी हैं और शीला दीक्षित को आप परिचित हैं, दिलीप पांडे भी हैं, तो ब्राह्मण वोट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कटता है। अगर हम लोग वोट का जातिकरण आधार पे करें तो जातिकरण आधार पे जिसे बहुजन समाज बोला जाता है, जिसे ST ST OBC लोग आते हैं, माइनॉरिटी वगैरह सभी लोग आते हैं, वो हैं यहाँ पर आपके राजबीर सिंह। हमने आपको तीनों के बारे में बताया, चौथे के बारे में नहीं बताया। उसका एक विशेष कारण ये था कि चौथे के बारे में इसलिए नहीं बताया, जो इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन का जोर वो पूरे देश के अंदर सुनामी की तरह नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उसके अंदर यादव हुए, SC लोग हुए, ST हुए और वाल्मीकि भी, जो सभी हैं सबने एक मन बना लिया है इस वक्त बहुजन समाज को वोट डालने का। और अब हम बात करते हैं राजबीर सिंह की। राजबीर सिंह ने यहां पर अपनी उपस्थिति आके तीनों कैंडिडेटों को बहुत बुरी तरीके से उलझन में डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे जो वोट कट रहा है वो ब्राह्मण का वोट कट रहा है। और अगर हम लोग बात करें SC ST OBC की तो वो कैडराइज वोट है जो हमेशा से अपनी अपनी पार्टियों को जाता है, जैसे भाजपा का अपने संगठन में जाता है, कांग्रेस का अपने संगठन में जाता है, और जो SC कैंडिडेट का है वो भी जो है वो BSP के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको नज़रिए को समझना पड़ेगा कि जो वाल्मीकि समाज है इस वक्त वो जो गटर में मौतें होने से या जो उनको जो भाजपा ने अपने कार्यकाल शासन के अंदर करे थे वो सारे वादे खिलाफ रहे, उनको कहीं भी सहयोग नहीं मिला
और जो वाल्मीकि समाज है वो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, बीएसपी के साथ आ रहा है, और जो यादव समाज का समीकरण है, जो एसपी है जिसको सपा बोलते हैं, सपा का गठबंधन का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही मंच पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग इस वक्त सपा के अंदर आ गए हैं, जो बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताते हैं इसके अंदर, जो होता है बीएसपी का कोई भी घोषणा पत्र नहीं होता है, लेकिन जो राजवीर सिंह है, राजवीर सिंह ने बसपा के थोड़ा सा अगेंस्ट जाके काम किया। उन्होंने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश के लिए, समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, और उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये घोषणा पत्र मैं आपको दिखा दूँ, मेरे हाथ में है, और इस घोषणा पत्र में जो उन्होंने बहन जी की स्वीकृति से लिया है, उन्होंने कहा कि अगर मैं कार्यकाल नहीं कर पाता हूं तो जनता को पूरा अधिकार होगा। उन्होंने प्रॉमिस भी करा, वादा भी करा, और उन्होंने घर घर ये पर्चे पंपलेट बंटवाए हैं, और ये पंपलेट और घोषणा पत्र सभी पार्टियां बांटती हैं। लेकिन इसके अंदर विशेष क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसका हम लोग पहला ये है, उत्तर पूर्वी लोकसभा सर्व समाज विकास शपथ पत्र। शपथ पत्र होता है कि मैं कसम खाता हूं, और ये उन्होंने कसम खाई है, और ये कसम खाने से वो जो भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो बड़े चिंतित हो गए हैं। उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं समाज सेवक बसपा प्रत्याशी के साथ एक मार्बल का व्यापारी हूँ, और मैं शपथ लेता हूँ कि जैसे मार्बल की चमक एवं खूबसूरती से घरों में चार चांद लगाने की कला जानता हूँ, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी एवं आप धोखेबाजी की नीति के कारण इस क्षेत्र पर लगे यमुना पार के दाग को मिटाने का संगमरमर की तरह चमका कर बनाऊंगा। इस लोग ये सब आप जानते हैं कि यमुना पार की स्थिति पूरी दिल्ली के अंदर क्या है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक की व्यवस्था हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, खैर इतने सालों से कोई पार्टी यहाँ पर नहीं आई है, तो अब देखते हैं क्या रहता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली बना, उन्होंने लिखा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से उत्तर उत्तम दिल्ली बना दूंगा। इसके लिए मैं आज आप लोगों के माध्यम में जनता एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए शपथ पत्र जारी कर रहा हूं। शपथ पत्र मतलब उन्होंने कसम खाई है कि अगर मैं ये कार्य ढंग से नहीं करूंगा तो जनता को पूरा अधिकार होगा कि वो आगामी चुनाव के अंदर, जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके अंदर, मुझे काम ना करने दें, और अगर मेरे कार्यकाल में कोई काम अच्छा नहीं होता है तो जनता को पूरा अधिकार है। उन्होंने शपथ पत्र में कहा है, उन्होंने ये जो शपथ पत्र है 22 मई को होने वाले चुनाव में हाथी के सामने बटन दबाए, उन्होंने अपनी वोट की अपील भी करी है। इसके अंदर जो घोषणा पत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। घोषणा पत्र जबकि बहुजन समाज पार्टी का नहीं होता है, हम आपको दोबारा से बता दें, लेकिन जो ये राजवीर सिंह है बसपा के उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सबको शिक्षा बराबर मिलेगी, मुफ्त उपचार मिलेंगे जो मिलते हैं सरकारी में, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के बावजूद उनको नहीं मिलते हैं। उत्तम क्वालिटी की जो उत्तम चिकित्सा होती है वो मिलेगी इसमें, हर हाथ को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी 20 के ऊपर होगा या रोज़गार के काबिल होगा तो एक घर में से एक रोज़गार मैं अवश्य लगवाने की कोशिश करूँगा। बेहतर सड़कें मिलेंगी आपको, नाली पानी की निकास होगा, जो यमुना पार के अंदर गंदगी का अंबार लगा होता है, गंदगी एवं कूड़ा मुक्त क्षेत्र बनाने का मैं वचन देता हूं। उन्होंने कहा कि यमुना पार के अंदर एक भी अच्छी लाइब्रेरी तो है ही नहीं, खैर अच्छी की तो बात बाद में करेंगे, एक भी लाइब्रेरी नहीं है। उन्होंने कहा कि यमुना पार के अंदर इतनी ज़मीन खाली पड़ी है, और उस ज़मीन का सरकार आज तक इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई कार्य अच्छा हो, तो उन्होंने लाइब्रेरी का भी एक वो करा है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को बहुत परेशानियाँ होती हैं, महिलाओं को आगमन जाने आने पे बहुत परेशानियाँ होती हैं, जो बाहर क्षेत्र से दूर दराज से महिलाएँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उन्होंने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल का भी मैं यहाँ पे प्रावधान करूँगा। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, जो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में आपका नाम होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ऑडिटोरियम होगा, जो ऑडिटोरियम यहाँ पर एक दो हैं, अम्बेडकर स्टेडियम है, लेकिन ऑडिटोरियम नहीं है, एक भी यमुना पार के अंदर ऑडिटोरियम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ऑडिटोरियम दूंगा यमुना पार को, और सर्वसंघ कम्युनिटी सेंटर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बारात घर हैं, जो गरीब परिवार के महिला बच्चे अपने बच्चों की शादी कराते हैं, आजकल इतने महंगाई के टाइम के अंदर एक उत्तम क्वालिटी का जो बारात घर है वो भी नहीं है, तो मैं एक खुला वातानुकूल, एक अच्छा, एक नहीं जहाँ उनकी जो लोकसभाएं हैं सभी में, उन्होंने सभी विधानसभाओं के अंदर एक एक देने का वादा किया है।
और यहाँ पर यमुना पार के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है विद्यालयों की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है एक भी, और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल एवं फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट नहीं है, मजदूरों के लिए सड़क किनारे पर रेस्ट रूम नहीं है। उन्होंने कहा कि रिक्शा रेड़ी ठेली वाले जो भी पटरी पे करते हैं उनको एक ऑथराइज तरीके से मार्केट बना के दिया जाएगा, बेहतरीन यातायात की सुविधा भी दी जाएगी, दिल्ली के बाकी हिस्सों से फास्ट इनकन्वीनियंट चीज़ें उन्हें मिलेंगी, और जो ट्रैफिक जाम के लिए उन्होंने बहुत अच्छी से बताया कि ट्रैफिक जाम के लिए उनको बहुत अच्छा निजात दिलाने के लिए वो पुलों का निर्माण करवाएंगे, जो उन्होंने बताया अपने स्पीचेजों में सब में अधिकतर वो बोलते हैं कि जो कि मनोज तिवारी ने नहीं दिलाया, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यमुना पार की सारी जनता जानती है कि मनोज तिवारी ने क्या करा है। और ये जो घोषणा पत्र है मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, उन्होंने सभी पॉइंट्स को वो करा है और इन्होंने इसके बाद इस पर अपना शपथ पत्र पर साइन करके पूरी जनता के अंदर घर घर ये बंटवाया है, जबकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बसपा के किसी नेता ने अपना घोषणा पत्र जारी करा हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं जनता के लिए कार्य नहीं कर सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है अपने पद पे रहने का, इसलिए उन्होंने ये शपथ पत्र दे के भी कहा कि अगर मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा तो जनता से मैं दोबारा वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। ये थी SM न्यूज़ की रिपोर्ट। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश का, संविधान का, इन सब का ख्याल रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि बहुजन समाज के मीडिया को मजबूत करें ताकि बहुजन समाज की आवाज़ हो सके और भी ज़्यादा मजबूत। हमारे ऐसे ही खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वोट आपके अधिकार आपका है, आपको अपना अधिकार है कि आप किसको चुनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।